बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बात करेंगे कि जाबी रब्बे करीम हमारा पीर हम पर मेहरबान होने लगता है, हमें सब कुछ देने का वे जाहिर करता है तो उससे पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं। जब भी हमारा पीर हम पर मेहरबान होता है तो उससे पहले हमें कुछ जे खास संकेत मिलते हैं जिससे पता चल जाता है कि हमारा रब्बे करीम हम जिस पीर को मानते हैं वह हम पर मेहरबान होने वाला है। वह कौन से संकेत हैं, आओ उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला संकेत कि जब हमारा पीर रब्बे करीम हम पर मेहरबान होने लगता है तो सबसे पहले उसे इंसान को सुबह तड़कसार ही 3 बजे हर रोज उसकी आँख खुल जाती है, उसकी नींद टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खुद रब्बे करीम उसका पीर चाहता है कि वह फजर के वक्त उठकर वजू करके अल्लाह पाक को याद करे, अल्लाह पाक की बंदगी करे, जो भी उससे कोई गलती गुनाह हुआ है और वह उसकी माफ़ी मांग ले। क्योंकि फजर के वक्त कोई भी इंसान, कोई भी मखलूक फजर के वक्त उठकर अगर वह अल्लाह की बारगाह में कोई भी दुआ मांगेगा, कुछ भी कहेगा, अल्लाह पाक उसे बेनियाज कभी नहीं मोड़ते। उसके हाथ जो दुआ के लिए उठे होते हैं वह खाली कभी नहीं मोड़ते। इसलिए उस इंसान को सुबह 3 बजे ही हर रोज जाग आने लगती है, उसकी नींद टूट जाती है कि अल्लाह पाक खुद चाहता है कि वह मेरी बारगाह में दुआ करे, वह मेरी बंदगी करे। यह बहुत बड़ा संकेत है कि मेरा रब्बे करीम, मेरा पीर अब मुझ पर मेहरबान होने वाला है। दूसरा संकेत, जिस इंसान पर रब्बे करीम पीर मेहरबान होने वाले हैं उसको पीर बाबा की और अल्लाह पाक की समझ आने लगती है कि रब्बे करीम क्या है, पीर क्या है, उनको कैसे खुश करना है, वह कैसे इस मखलूक को पालते हैं, वह कैसे अपने बंदों की हर परेशानी को दूर करते हैं। हमें यह भी समझ आने लगती है कि हमें अपने आप को पाक कैसे रखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब सोना है, कब उठना है, कितना देखना है, कितना बोलना है, यह सब कुछ उस रब्बे करीम की रजा में होने लगता है। तीसरा, ऐसे इंसान पर जब रब मेहरबान होता है, रब्बे करीम मेहरबान होने से पहले, पीर सब कुछ देने से पहले ऐसे इंसान को इम्तिहान में, अजमाइश में डालता है कि इसका अकीदा कितना पक्का है, क्या मुश्किल के समय यह मुझे छोड़कर तो नहीं भाग जाएगा। ऐसे इंसान पर अजमाइश जरूर होती है, उसको कच्चा और पक्का जरूर देखा जाता है, उसकी परख जरूर होती है। जब इंसान अपने वजूद को पाक रखने की कोशिश करता है, वह अच्छा बोलता है, अच्छा सुनता है, वह अपनी जुबान को, अपने हाथों को, अपनी आँखों को पाक रखने की कोशिश करता है, वह गुनाहों से तौबा करता है। अगर उससे जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह हो भी जाए तो वह फौरन उसकी तौबा करता है। वह झूठ बोलने से परहेज करता है, वह चुगली, निंदा, बुराई से दूर होने की कोशिश करता है। जब इंसान ऐसे कर्म, ऐसे काम करने लगे तो समझ लेना रब्बे करीम और पीर उस पर मेहरबान होने वाले हैं, उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। जिस पर रब्बे करीम, अल्लाह पाक, पीर मेहरबान होने लगते हैं उसके चेहरे का नूर ही अलग हो जाता है दूसरे इंसानों का चेहरा, और उसका चेहरे में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। बिना रोशनी के उसका चेहरा रोशन हो जाता है, वह दुनिया में अलग ही दिखने लगता है। इतनी पावर, इतनी रहमत, इतना नूर मिलता है अल्लाह पाक की तरफ से जिस पर अल्लाह पाक मेहरबान होने वाले होते हैं। और उसके साथ साथ
जिस इंसान पर रब्बे करीम मेहरबान होने वाला है उसके दुनियावी खर्चे कम हो जाते हैं, उसकी बेफालतू की और जितनी भी फालतू की उसकी इच्छाएं हैं वह खत्म हो जाती है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना पीरो मुर्शद अल्लाह पाक ही दिखाई देता है। उसके अंदर दुनियावी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहती। जब आपके साथ ऐसा हो, जब आपको ऐसे संकेत लगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ लेना कि आपका रब, आपका पीर आप पर बहुत जल्दी मेहरबान होने वाला है, आपको सब कुछ मिलने वाला है।